पिछले भाग में हमने जाना था अति प्राचीन एवं गुप्त पंच विद्या के बारे में, जहां हमने पहली दो विद्याओं के स्वरूप, प्रवृत्ति, मूल मंत्र एवं साधना पद्धतियों का वर्णन किया है। आज इस अंतिम भाग में हम जानेंगे अंतिम तीन विद्याओं के बारे में। परंतु शुरू करने से पहले हम अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपके छोटे से अनुदान से हमें अति सहायता प्राप्त हुई है। इस वसंत पंचमी में हमने अपने सभी अनुदाताओं के नाम पे पंचांग यज्ञ में आहुति दिया है। हम आशा करते हैं कि इससे आप सभी अनुदाताओं के ग्रह दोष समाप्त होगी एवं शक्ति स्वरूपिणी माता के आशीष से आपके समस्त कामना पूर्ण होंगे। इसके अलावा हम अपने सभी दर्शकों को प्रणाम करते हैं। आप सभी के कृपा एवं प्रेम से आज हम यहाँ हैं। कृपया हमें ऐसे ही प्रेम एवं सहायता करते रहें, जिससे हम ऐसे प्राचीन ज्ञान को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। और अपने नवीनतम दर्शकों को अनुरोध करते हैं, कृपया सब्सक्राइब करें एवं हमारी अगली प्रस्तुतियों के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटे को बजाना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पंच विद्या में तीसरी विद्या है देवी गायत्री। देवी गायत्री महासरस्वती का तीसरा और सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। इन्हें वेद माता के रूप में भी जाना जाता है। गायत्री नाम का अर्थ है एक पवित्र कविता या गीत। कई पुराणों में देवी गायत्री को एक उग्र देवी के रूप में भी चित्रित किया गया है, जिसने असुरों का दमन कर देवताओं की रक्षा की है। वराह पुराण और महाभारत के अनुसार देवी गायत्री ने गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि में वित्र और व्रतवती के पुत्र वित्रासुर का वध किया था। देवी गायत्री देव माता भी है, अर्थात वे देवताओं की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। देव माता गायत्री की उपासना हमें दान, सम्यक्त्व एवं सत आचरण के गुण प्रदान करके देवत्व के स्तर तक ले जाती है। इनके स्वामी है ब्रह्म भार्ग। देवी गायत्री का स्वरूप। कृष्ण यजुर्वेद के महानारायण उपनिषद में देवी गायत्री को श्वेत वर्णा के रूप में वर्णित किया गया है। उनका गोत्र यहाँ संख्यायास वर्णित किया गया है, जो महर्षि विश्वामित्र का गोत्र है। उनके छह उदर या षटकुक्ष है। उनके तीन पैर हैं, इसीलिए इन्हें त्रिपदा कहा जाता है। देवी गायत्री को पांच सिर वाली देवी या पंचशी शह के रूप में वर्णित किया गया है। ये पांच सिर देवी गायत्री के पांच रूप हैं। ये रूप मुक्ता, विद्रुमा, हेमा, नीला और धवला के नाम से जाने जाते हैं। उनके दस आँखें दस दिशाओं को देख रही हैं और वे आठ भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र, एक हाथ में वेद एवं शेष हाथ में कमंडल धारण करती है। श्वेत हंस को उनके वाहन के रूप में वर्णित किया गया है। देवी गायत्री की प्रवृत्ति। वेदमाता गायत्री को सौम्य उग्र कोटि में वर्णित किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार उनके पांच शीश में से दो शीश देवी उग्र काली एवं देवी चामुंडा के रूप हैं। वहीं अंतिम तीन शीश सौम्य रूपा देवी कमला, देवी सरस्वती एवं देवी भुवनेश्वरी के रूप हैं। वह अपने भक्तों के लिए सौम्य हृदय माता है, परंतु दुष्टों के लिए वे अति उग्र रूपा देवी है, जो काल को भी परास्त कर सकती है। कूर्म पुराण के अनुसार गौतम ऋषि ने देवी गायत्री से वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण वह अपने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को समाप्त करने में सक्षम हुए। स्कंद पुराण बताता है कि माता गायत्री ब्रह्मभार की पत्नी और माता सरस्वती का एक रूप है। इन्हें अजपा, अनिक्षा, विद्रुमा, बृहदिवा, धवला, देव माता, गीरवाणी, गीताजली, हेमा, हंसाम्बिका, मंदाकिनी, मुक्ता, नीला, पायाश्विनी, प्राणाग्नि, सुरेश्वरी एवं त्रेता के नाम से जाना जाता है। देवी गायत्री का मूल मंत्र। गायत्री पूजा और साधना का श्रेय महर्षि विश्वामित्र को जाता है। उन्होंने गायत्री साधना का अभ्यास बहुत लंबे समय तक आत्म अनुशासन के साथ किया और अपार मनोगत शक्तियां प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने गायत्री साधना के माध्यम से दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए विशेषज्ञता और कार्य प्रणाली भी विकसित की, जिसे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त महासरस्वती पुराण में गायत्री साधना एवं पूजा विधि का विस्तारित वर्णन किया गया है। वह ज्ञान इंद्रियों में कारण अर्थात
अष्टकान की प्रतिनिधित्व करती है। गायत्री की साधना और उपासना व्यर्थ कही जाती है, जो कि विश्वामित्र के श्राप के कारण हुआ था। कठोर अनुसंधान से हमने इन मिथकों को निराधार और पूरी तरह से अनुचित पाया है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल गायत्री साधना की उपयोगिता और महत्व का वर्णन करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि अन्य देवताओं की पूजा के दौरान गायत्री मंत्र और गायत्री छंद का उपयोग करने से परिणामों को 7 गुना बढ़ाया जा सकता है। यहाँ अति सुंदर रूप से यह वर्णन किया गया है कि गायत्री मंत्र और सकल गायत्री छंद इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मंत्र हैं। पंच सिद्धि प्राप्त कर परब्रह्म को अनुभव किया हो, केवल ऐसे एक योग्य सतगुरु से यह विद्या प्राप्त किया जा सकता है। यह साधना विधि अति कठिन एवं गुप्त होती है। पंच विद्या के अन्य 2 सिद्धियां प्राप्त होने के उपरांत ही इनकी साधना किया जा सकता है, परंतु माता की पूजा एवं आराधना अति सरल है और सकल जीव उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। माता गायत्री विशुद्ध चक्र की प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें प्रसन्न करने का मूल मंत्र है ओम हन देवाराधित देवी गायत्री ओम फट स्वाहा। बसंत शुक्ल तृतीया के दोपहर 11:30 से 12:30 के बीच अथवा रविवार इस मंत्र का जाप एवं सूर्य को जलार्घर्पण करने से आत्मशक्ति एवं आत्मतत्व प्राप्त होता है। इसके अलावा इनके कृपा दृष्टि से सकल दुख भाग्य दोष एवं ग्रह दोष समाप्त हो जाता है। जिनके कुंडली में पितृ गुरु चांडाल गंडमूल एवं शनि दोष है, उन्हें प्रतिदिन इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। इनकी पूजा करने के लिए कोई मूर्ति अथवा छवि का उपयोग न करें, वह निराकार ब्रह्म स्वरूपिणी है एवं उनके तेज से सूर्य द्वीप्तमान रहता है। इसीलिए सूर्य को जलार्घर्पण करते हुए गायत्री मूल मंत्र का पाठ अथवा त्रिलोक प्रसिद्ध गायत्री स्तुति मंत्र ओम भूर भुवः स्वाहा का पाठ करने से ही इनकी पूजा हो जाती है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम् मया देवी परिपूर्णाम् ततस्तु मे। इस श्लोक का अर्थ है, हे देव माता, मेरे द्वारा जपे गए मंत्रों में कर्मों में या पूजा में यहाँ तक कि मेरी भक्ति में जो भी कमी हो, जब मैं आपकी पूजा करता हूँ तो उन्हें दूर कर दें और मेरी इस वंदना को परिपूर्ण करें। माता गायत्री अति दयालु एवं सर्वसिद्धि दाता है। इनके पूजा में केवल एकाग्रता एवं भक्ति की आवश्यकता होती है। देवी गायत्री की साधना एवं योग विधि। इस साधना विधि को केवल पंच विद्या के 2 सिद्धियां प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाता है। मध्याह्न काल अर्थात दोपहर को अपने गृह के पूर्व भाग पर विराजें, इसके उपरांत सुखासन करके बैठें और मूल मंत्र का जप करें। जाप करते समय मन को केंद्र करें अपने विशुद्ध चक्र पे। कल्पना करें कि यह चक्र क्रमशः पृथ्वी के भांति अपने अक्षरेखा पर घूम रहा है और सांस को धीमे धीमे से अंदर लें और थोड़ा रोकें। इसके उपरांत धीमी गति से सांस छोड़ें। अनुभव करें कि आपकी हर सांस इस विशुद्ध चक्र को छू रहा है। ऐसा करते करते आप ज्ञानासन में समाधिस्थ हो जाएंगे। इस सिद्धि से साधकों को वाक सिद्धि प्राप्त होता है, अर्थात वह जो कहता है वही सत्य हो जाता है। पंच विद्या में 4th विद्या है देवी सावित्री। देवी सावित्री को देवी महासरस्वती का 4th एवं अति उग्र स्वरूप माना जाता है। पुराणों में इन्हें विज्ञान की देवी भी कहा गया है। माँ सावित्री साधारण ज्ञान बौद्धिक ज्ञान ललित कला और रचनात्मकता की देवी हैं। सावित्री नाम का अर्थ है वे जो ज्ञान के प्रकाश को संचारित करती है। माँ सावित्री प्रकाश के भांति अज्ञानता के अंधेरे को दूर करती हैं और हमारे मन में अनंत ज्ञान का दीपक जलाती हैं। उनकी कृपा दृष्टि के अनुपस्थिति में हमारे जीवन में अराजकता और भ्रम की स्थिति बनी रहती है। आत्मा की अपरिवर्तनीय शाश्वत शांति को जानना ही उनके परम स्वरूप को अनुभव करने के समान है। सावित्री गायत्री और ब्राह्मणी यह 3 देवियां हैं जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की प्रतिनिधित्व करती हैं। इसीलिए इस मंत्र को दिन में 3 बार जप किया जाता है। प्रातःकाल वंदना देवी सावित्री को समर्पित किया जाता है। वहीं मध्याह्न काल में देवी गायत्री वंदना एवं संध्या काल वंदना देवी ब्राह्मणी को समर्पित किया जाता है। उनके स्वामी को विरंची के नाम से जाना जाता है। देवी सावित्री का स्वरूप।
माता सावित्री, गायत्री और ब्राह्मणी ब्रह्मा की मूल शक्ति स्वरूप हैं। वेदों में इन तीनों देवियों को ब्रह्म शक्ति कहा गया है। वह पीतवर्णा हैं एवं पीले वस्त्र पहनती हैं। इन्हें चतुर्भुजा रूप में वर्णित किया गया है। वह अपने दो हाथों में पाश एवं अंकुश और अन्य दो हाथों में वेद एवं माला धारण करती हैं। उनके वाहन के रूप में श्वेत हंस दर्शाया गया है। ऋग्वेद में इन्हें महालक्ष्मी, महाशक्ति एवं महासरस्वती के संयुक्त रूप में वर्णित किया गया है। इसीलिए इन्हें त्रिरूपा भी कहा जाता है। देवी सावित्री की प्रवृत्ति। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के उग्र स्वभाव का वर्णन किया गया है, जबकि वराह पुराण में उन्हें एक उग्र रूपिणी मातृ स्वरूप में दर्शाया गया है, जिनके प्रचंड क्रोध से स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भयभीत हो गए थे। पुराणों में वर्णित है कैसे माता सावित्री के श्राप से समस्त देवी देवता भी पीड़ित हुए हैं। मूलतः शिव पुराण के अनुसार देवी सावित्री के अभिशाप से ब्रह्मदेव को इस मर्त्य लोक में पूजा प्राप्त नहीं होगी। देवी लक्ष्मी सर्वदा चंचल रहेगी एवं इंद्राणी समेत समस्त स्वर्गवासी संतानहीन रहेंगे। उन्होंने देवराज इंद्र को भी श्राप दिया था कि जिस सिंहासन का उन्हें अहंकार है वही सिंहासन उन्हें बार बार वंचित करेगा। अतः इससे हमें पता चलता है उन्हें उग्र कोटे में क्यों रखा गया है, क्योंकि वह किसी पर रुष्ट हो जाती है तो बिना सोचे समझे उन्हें श्राप दे देती है। परंतु पुराणों में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनका हृदय अति सौम्य एवं दयापूर्ण है, जो प्रसन्न होने पर अपने भक्तों के जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करती है और अनंत ज्ञान का प्रकाश प्रदान करती है। वह चेतना की बहती हुई नदी है एवं वही सृष्टि की शक्ति है। माता सावित्री के कृपा से सौभाग्य एवं ग्रह दोष मुक्ति होती है। पुराणों में इन्हें उग्रकोटि श्रेणी के देवी के रूप में वर्णित किया गया है। इन्हें अंबिका, अनुष्टुभी, भामा, चंद्रलेखा, चित्रगंधा, दिव्यांगा, महोत्सय, पीतः, सुरवंदिता, सौडामिनी, सौर्या, सर्वदेवस्तुता, त्रिगुणा, त्रिरूपा, त्रिकालांजना और वसुधा के नाम से भी जाना जाता है। देवी सावित्री का मूल मंत्र। अति उग्र रूपिणी एवं शीघ्र रुष्ट होने वाली माता होने के कारण इनकी पूजा एवं साधना अति धैर्य, शांति और विधि पूर्वक किया जाता है। पंचविद्या के तीन सिद्धियां प्राप्त होने के उपरांत ही इनकी साधना किया जा सकता है। इनके ध्यान में समाधिस्थ होने के उपरांत निम्न लोकों के दर्शन हो सकती है, जो अति भयावह हो सकता है। परंतु साधक अगर अपना धैर्य और एकाग्रता छोड़कर ध्यान से विमुख हो जाए तो वे एक भ्रष्ट साधक बन जाता है एवं अनंत काल के लिए उसी निम्न लोक में चला जाता है। देवी सावित्री आज्ञा चक्र को निर्देशित करती है। इन्हें प्रसन्न करने का मूल मंत्र है ओम उम सावित्रे देवये प्रसन्नम प्रसन्नम फट स्वाहा। बसंत शुक्ल चतुर्थी के प्रातः काल अथवा शुक्रवार इस मंत्र का जाप करने से ब्रह्म शक्ति एवं ब्रह्म कृपा प्राप्त होता है। इसके अलावा इनके कृपा दृष्टि से सकल बाधा एवं ग्रह दोष समाप्त हो जाता है। जिनके कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें प्रति शुक्रवार इस मंत्र का जाप 21 बार करना चाहिए, और अगर किसी के अच्छे ग्रह दुष्ट ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित हो तो इस मंत्र का 108 बार जाप करना अति उपयोगी सिद्ध होता है। अनेक दर्शक कहेंगे ऋग्वेद में गायत्री मंत्र एवं सावित्री मंत्र को एक ही बताया गया है, परंतु यह सत्य नहीं है। वेद वैदिक संस्कृत में लिखित है, जो लौकिक संस्कृत से अनेक गुणा कठिन है। वैदिक संस्कृत को लौकिक संस्कृत के अनुसार अनुवाद करने से ऐसा ही प्रतीत होता है, परंतु देवी सावित्री एवं देवी गायत्री दोनों अपने स्वरूप एवं प्रवृत्ति के माध्यम से पहचानी जा सकती है। देवी सावित्री की साधना एवं योग विधि। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व अपने गृह के दक्षिण भाग पर विराजें, इसके उपरांत पद्मासन करके बैठें और मूल मंत्र का जप करें। जाप करते समय मन को केंद्र करें अपने आज्ञा चक्र पे। कल्पना करें कि यह चक्र क्रमशः बड़ा और छोटा हो रहा है, और सांस को धीमे धीमे से अंदर लें और थोड़ा रोकें। इसके उपरांत धीमी गति से सांस छोड़ें। अनुभव करें कि आपकी हर सांस आज्ञा चक्र को छू रहा है, और उससे आपको यह प्रतीत होगा कि यह चक्र अंदर लिए जाने सांस के साथ और बड़ा एवं सांस बाहर जाते समय छोटी हो रहा है। ऐसा करते करते आप समाधिस्थ हो जाएंगे।
इस समाधि को निमृतिका कहा जाता है। इस समाधि के प्रारंभ में साधक निम्न लोकों के दर्शन प्राप्त करते हैं, परंतु पूर्ण समाधि में वे देवी के परब्रह्म स्वरूप के दर्शन प्राप्त करते हैं। इस सिद्धि से साधकों को दिव्य दृष्टि प्राप्त होता है। पंच विद्या में पांचवी एवं अंतिम विद्या है देवी ब्राह्मणी। देवी ब्राह्मणी माता महासरस्वती के सर्व प्रमुख स्वरूप हैं। हम अक्सर भगवान ब्रह्मा के साथ जिसे देखते सुनते या सोचते हैं वह माता ब्रह्मणी ही हैं। वह आदि पराशक्ति के रजस गुण संपन्न स्वरूप और ब्रह्मा की शक्ति का स्रोत है। देवी ब्राह्मणी दिव्य ज्ञान, दिव्य कला, सत्य एवं मोक्ष प्रदान करती है। पुराणों में देवी ब्राह्मणी को अष्टमातृकाओं में पहला स्थान दिया गया है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार देवी ब्राह्मणी सृष्टि स्वरूपा शक्ति है, जिस शक्ति से भगवान ब्रह्मा ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की है। देवी महात्म्य में भी यह पुष्टि की गई है कि देवी आदि पराशक्ति ने ब्रह्मा के उत्पत्ति के उपरांत उन्हें उनके शक्ति के रूप में ब्राह्मणी को दिया था। देवी ब्राह्मणी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की पत्नी है। देवी ब्राह्मणी का स्वरूप। कृष्ण यजुर्वेद के महानारायण उपनिषद में इनका रंग पीला एवं दिव्य आभूषण से सुसज्जित रूप में वर्णित किया गया है। कहीं कहीं इन्हें चार शीश के साथ चित्रित किया गया है। वह श्वेत वस्त्र धारण करती है और श्वेत कमल से सुशोभित रहती है। इन्हें चार भुजाओं में दर्शाया गया है और ब्रह्मदेव की तरह वे अपने हाथों में अक्षमाला, कमंडल, वेद और एक श्वेत कमल धारण करती है। इन्हें अपने वाहन के रूप में श्वेत हंस की सवारी करते हुए वर्णित किया गया है। वह कमल घटा के गहने पहनती हैं। इन्हें इनके टोकरी के आकार के मुकुट से पहचाना जा सकता है, जिसे करंड मुकुट कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर इन्हें केवल कमल घटा के आभूषण से सुसज्जित दर्शाया गया है। कुछ अन्य संस्करणों में इनके वाहन के रूप में मोर को चित्रित किया गया है। इसके अलावा यहाँ इनके हाथों में कमंडल और श्वेत कमल के जगह वीणा दिखाई देता है। दक्षिणी भारत के अधिकांश मंदिरों में देवी ब्राह्मणी को माता सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। देवी ब्राह्मणी की प्रवृत्ति। इस संपूर्ण सृष्टि की जननी देवी ब्राह्मणी को कहा जाता है। एक ओर वे अति सौम्य रूपा मातृ शक्ति हैं, जो भक्तों के आवाहन मात्र से ही उनके समस्त कष्टों का निवारण कर देती है। दूसरी ओर इन्हें उग्र रूपा देवी का स्थान दिया गया है अष्ट मातृका के रूप में। वह पल भर में ही संतुष्ट हो जाती है और साधकों को परम सत्य एवं मोक्ष प्रदान करती है। जीव मात्र में इनका ही वास है। प्रत्येक सृष्टि की मूल देवी ब्राह्मणी को ही बताया गया है। वह अनंत काल से हैं और वे हर जन्मा भी हैं। ज्ञान एवं सृजन शक्ति की बीज देवी ब्राह्मणी से अंकुरित हुई है। पंच विद्या के प्रथम चार विद्याओं के सिद्धि के उपरांत इस विद्या को प्राप्त करने में विलंब नहीं होती है। पुराणों में इन्हें सौम्य उग्रकोटि श्रेणी के देवी के रूप में वर्णित किया गया है। इन्हें अनंता, अजन्मा, अभ्या, ब्राह्मी, ब्रह्मज्ञान साधना, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका, ब्रह्मा स्वरूपिणी, चित्त मुक्तिणी, देवात्मिका, ज्ञान अंजना, शुभदा, सहस्रारा एवं विनिद्रा के नाम से जाना जाता है। देवी ब्राह्मणी का मूल मंत्र। अष्ट मातृका में से एक देवी ब्राह्मणी समस्त सृष्टि की जननी है। वह बुद्धि को नियंत्रित करती हैं, इसीलिए उन्हें बुद्धीश्वरी भी कहा जाता है। इसके अलावा वह जीव के बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है। शास्त्र अनुसार देवी ब्राह्मणी पांचों विद्या के सकल गुण अपने में समाई हुई है। गृहस्थ मनुष्य इनकी आराधना से ज्ञान, कला, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, सौभाग्य, आर्थिक लाभ, आरोग्यता, सुख, समृद्धि एवं मोक्ष प्राप्त करता है। माता ब्राह्मणी सहस्रार चक्र की प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें प्रसन्न करने का मूल मंत्र है ओम देवी ब्राह्मणी नमः। बसंत शुक्ल पंचमी के संध्या काल में अथवा गुरुवार इस मंत्र का जाप करने से सर्व कामना सिद्ध होता है। इसके अलावा इनके कृपा दृष्टि से सकल दुख, भाग्य दोष एवं ग्रह दोष समाप्त हो जाता है। जिनके कुंडली में बृहस्पति दोष अथवा बृहस्पति दुर्बल है, उन्हें प्रतिदिन इस मंत्र का जाप 51 बार करना चाहिए। देवी ब्राह्मणी की पूजा से घर में हो रहे कलह एवं कलेशों में कमी आती है। इनकी पूजा से सकल शत्रुओं का नाश होता है।
इनके मंत्र के जाप से निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह आपके घर में वास कर रही नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। इसके अलावा इनकी पूजा एवं जप से धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाती है। देवी ब्राह्मणी की साधना एवं योग विधि। इस साधना विधि को केवल पंच अविद्या के चारों सिद्धियां प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाता है। संध्या काल में अपने गृह के पश्चिम भाग पर विराजें, अपने गृह को अंधकार कर दें और एक दीपक जलाएं। यह अवश्य ही ध्यान में रखें कि दीपक के अलावा कोई प्रकाश बिंदु उस कक्ष में न रहे। इसके उपरांत गौमुख आसन करके बैठें और मूल मंत्र का जप करें। जाप करते समय मन को केंद्र करें दीपक की ज्योति पे। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। इसके उपरांत आप अनुभव करेंगे कि आंख भारी हो रहा है। अब धीरे धीरे आंख बंद कर लें और अपने सहस्रार चक्र पे मन को केंद्र करें और सांस को धीमे धीमे से अंदर लें और धीमी गति से सांस छोड़ दें। अनुभव करें कि आपकी हर सांस इस सहस्रार चक्र को छू रहा है। ऐसा करते करते आप समाधिस्थ हो जाएंगे। पंच अविद्या साधना में इसे ब्रह्म समाधि कहा जाता है। इस सिद्धि से साधकों को परम सत्य एवं परम तत्व प्राप्त होता है और उनके लिए 10 महाविद्या के साधना का मार्ग खुल जाता है। पंच अविद्या की साधना अति कठिन कार्य है। मूलतः सद्गुरु से दीक्षा प्राप्ति के उपरांत ही इन विद्याओं की साधना किया जा सकता है। हमारे कुछ दर्शकों ने हमसे अनुरोध किया है कि हम सद्गुरु के विषय में एक प्रस्तुति प्रदर्शित करें। सद्गुरु किसे चुने, सद्गुरु कैसे चुने? लोग गुरु को स्वीकार करने से डरते हैं क्योंकि वे भ्रष्ट और धूर्तों के शोषण से बचना चाहते हैं। इस नुकसान से बचने के लिए हमें एक वास्तविक गुरु के गुणों को जानना चाहिए। मुंडका उपनिषद अनुसार तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवा भी गच्छेत् स्मित पाणिः श्रोत्रियम् ब्रह्मनिष्ठम्। इस श्लोक का अर्थ है, श्रोत्रिय वह सभी शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, अर्थात वेद, पुराण, तत्व ज्ञान आदि। ब्रह्मनिष्ठ, उन्होंने स्वयं ही परमेश्वर को अनुभव किया हो और उनका ध्यान हमेशा परब्रह्म में केंद्रित हो। सद्गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होगा। सद्गुरु कभी खुद को धन, विलासिता, क्रोध, वासना या लालच के साथ नहीं जोड़ेंगे। वह तो पहले ही ब्रह्म ज्ञान के रूप में सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उनके पास जो कुछ भी है वह उसी में संतुष्ट रहेंगे। हर स्थिति में वे स्थित प्रज्ञ बने रहेंगे। आत्म सत्य एवं परम सत्य जिसे प्राप्त हो वही सद्गुरु है। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आए तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें। आप चाहें तो हमें आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। आपके इस अनुदान से हम अधिक से अधिक प्रस्तुतियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे। मैं योगेश आज के लिए विदा चाहूंगा। हम फिर मिलेंगे अति शीघ्र। तब तक के लिए ॐ नमो सरस्वतये नमः।